हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है स्नेहा और आप देख रहे हैं अर्बन लाइफ, जहां मैं वीडियोस पोस्ट करती हूँ एवरी वेनसडे एंड संडे। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत अलग होने वाला है, इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। आई एम श्योर ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। सो आपने बहुत सारे वीडियोज में देखा होगा कि आप पुराने कपड़े से, साड़ी से, दुपट्टा से कुशन कवर्स बना सकते हैं, लेकिन आज हम इस टॉपिक पे डिटेल में बात करने वाले हैं। हम यहाँ देखेंगे किस तरह के फैब्रिक से आप किस तरह का कुशन कवर बना सकते हैं और ये किस तरह का लुक देगा आपके घर को। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को भी जरूर हिट करिए, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा भी यूजफुल लगे, अच्छा लगे, तो प्लीज इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। सो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो इस वीडियो में हम 7 ऐसे टाइप ऑफ फैब्रिक्स की बात करेंगे जिससे आप कुशन कवर बना सकते हो और जो एकदम प्रैक्टिकल है। इसमें सिंपल से लेके फैंसी और कुशन कवर्स हम सबकी बात करने वाले हैं। सो बात करते हैं हमारे फर्स्ट आइडिया की, जो है फ्लोरल कुशन कवर्स। फ्लोरल कुशन कवर्स बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है और समर्स के लिए तो ये बहुत ज्यादा एप्ट है। इस तरह के कुशन कवर्स आपके घर को एकदम फ्रेश, एकदम काम लुक देंगे, और अगर ये पेस्टल शेड्स में हो तो और भी अच्छे लगेंगे। सो अगर आपके पास कोई पुरानी साड़ी है जो फ्लोरल प्रिंट में है, अगर कोई दुपट्टा है जो फ्लोरल प्रिंट में है, तो आप उससे कुशन कवर्स बनवा सकते हो। सो ये मेरे पास कुछ इस तरह के फ्लोरल कुशन कवर्स है, ये आप देख रहे हो, आप इस तरह का कुछ बनवा सकते हो। आप किसी भी तरह के फ्लोरल प्रिंट फैब्रिक का यूज कर सकते हो, उसमें फ्लोरल प्रिंट्स वे छोटे हो या बड़े हो, किसी भी तरह का ये अच्छा लगेगा। और ये जैसे मैंने कहा, समर्स के लिए बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट है और आपके घर को एकदम ही फ्रेश लुक देंगे। मैं यहाँ पर और भी पिक्स डाल दूंगी आपके रेफरेंस। हमारा सेकेंड आइडिया है कॉटन कुशन कवर्स। मोस्ट ऑफ द घरों में जो डेली यूज के कुशन कवर्स होते हैं वो कॉटन ही होते हैं। तो अगर आपके पास कोई कॉटन का दुपट्टा है या फिर इवन कोई शर्ट पीस है, कोई कॉटन का शर्ट पीस है जिससे आप शर्ट नहीं सिलवाना चाहते हैं और उसको कहीं और यूज करना चाहते हैं, आप उससे कुशन कवर्स बना सकते हैं। वो भी बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली शर्ट मटेरियल अगर कोई स्ट्राइप प्रिंट में है या चेक प्रिंट में है, तो ऐसे टाइप के कुशन कवर्स बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे। सो आप इस आइडिया को भी ट्राई जरूर करिए। नेक्स्ट है वेलवेट कुशन कवर्स। सो वेलवेट ऐसा फैब्रिक है जो बहुत ज्यादा रिच लुक देता है। तो अगर आप कोई वेलवेट का दुपट्टा या कोई ड्रेस पहनते हैं तो बहुत ज्यादा रिच लुक देता है। तो आप सिमिलर तरह का लुक आपके घर के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं वेलवेट के कपड़े से कुशन कवर्स बना के। सो अगर आपके पास कोई पुराना दुपट्टा है वेलवेट का या कोई फैब्रिक पीस बचा हुआ है वेलवेट का, तो आप उससे कुशन कवर्स बना सकते हैं। नेक्स्ट दो जो आइडियाज है बहुत ही ज्यादा लो बजट है, उसमें से आइडिया है पैच वर्क के कुशन कवर्स, या अगर आपके कोई फैब्रिक के पीसेस बचे हुए छोटे छोटे और अगर आपको उनको यूज करना है, तो आप उनसे वो पीसेस को जोड़ जोड़ के कुशन कवर्स बना सकते हैं। पीसेस जरूरी नहीं है सेम ही मटेरियल के हो या सेम कलर कॉम्बिनेशन के हो, ये किसी भी कलर कॉम्बिनेशन के हो सकते हैं, किसी भी मटेरियल में हो सकते हैं। अगर उसमें थोड़ा गोल्ड टोन है तो और भी ज्यादा अच्छे लगेंगे। इसमें आपको ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा, आपका जो पीसेस ऑलरेडी पड़े हुए हैं जो वेस्ट होने वाले थे, उसको आप यूज करके कुशन कवर्स बनवा सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया है बची हुई लेसेस और बॉर्डर से कुशन कवर्स। सो अगर आपके पास कोई लेसेस बहुत सारी छोटी छोटी पीसेस की लेसेस बची हुई है जो अपने ड्रेस पे, ब्लाउज पे, साड़ी पे नहीं यूज कर सकते बिकॉज वो बहुत छोटी है, सो आप उसे जोड़ जोड़ के और फिर एक प्लेन फैब्रिक पे स्टिच करके कुशन कवर्स बना सकते हो। ट्रस्ट मी, ये ऐसे टाइप के कुशन कवर्स भी बहुत ज्यादा सुंदर लगते हैं और आपको घर को एकदम ही नया लुक दे देंगे। जैसे कि अगर इस तरह की कोई लेसेस है, मेरे पास इस तरह की भी ये लेस है, आपके पास जिस भी तरह की लेस है, अब जरूरी नहीं है वो कलर्स एक दूसरे मैचिंग ही हो या फिर डिजाइन एक दूसरे के मैचिंग हो, आप जो भी लेसेस का पीस पड़ा हो आप उसको एक साथ में स्टिच कर लीजिए। इस टाइप के कुशन कवर आप फेस्टिव टाइम पे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट टाइप ऑफ कुशन कवर्स है ब्रोकेड या सिल्क मटेरियल में। सो आजकल ब्रोकेड सिल्क मटेरियल का कुशन कवर्स बहुत ज्यादा इन ट्रेंड है। अगर आप ऐसे टाइप के कुशन कवर्स बाहर लेने जाओगे तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं। अगर आप किसी ब्रांडेड होम डेकोर स्टोर में जाओगे इस तरह के कुशन कवर्स लेने के लिए, तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। इस तरह के कुशन कवर आप इजीली घर पे बनवा सकते हैं। अगर आपको स्टिचिंग आती है तो आप खुद बना सकते हैं या फिर आप बाहर से बनवा सकते हैं। इसमें आपको अपनी पुरानी
सिल्क साड़ी, ब्रोकेट साड़ी, दुपट्टा, इन चीजों का यूज करना है। अगर आपकी साड़ी प्लेन है बट पल्लू पे कुछ गोल्डन डिजाइन है, बॉर्डर्स आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास इस तरह की कोई साड़ी है जिसपे इस तरह के बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल गोल्डन वर्क किया हुआ है, इस तरह की कुशन कवर्स बहुत ही सुंदर लगेंगे। स्पेशली इस तरह के कुशन कवर्स बहुत ही सुंदर लगेंगे स्पेशली डार्कर कलर्स में, जैसे ब्लू है, ग्रीन है, रेड है, या फिर कुछ इस तरह की साड़ी है जिसपे भी इस पे भी गोल्डन जरी वर्क किया हुआ है, तो आप इस तरह का फैब्रिक भी यूज कर सकते हैं कुशन कवर्स बनाने के लिए। और अगर आप पूरी साड़ी यूज करेंगे तो इससे आप कुशन कवर्स का फुल सेट तैयार कर सकते हैं अपने घर के लिए। एंड ट्रस्ट मी, ऐसे वाले कुशन कवर्स बहुत ही ज्यादा सुंदर लगते हैं स्पेशली फेस्टिव टाइम पे। ऐसे टाइप के कुशन कवर्स आपके घर को इंस्टेंटली एक मेकओवर दे देंगे और आपके घर का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनेंगे। नेक्स्ट साइड है सीक्वेंस के कुशन कवर्स। सो अगर आपको थोड़ा ब्लिंक पसंद है, थोड़ा सा चमक धमक पसंद है, तो आप सीक्वेंस के कपड़े से कुशन कवर बनवा सकते हैं। अगर आपके पास कोई फैब्रिक पड़ा है सीक्वेंस का तो आप उससे कुशन कवर्स बनवा सकते हैं। अगर आपको फुल सीक्वेंस का कुशन कवर नहीं चाहिए और जनरली आप इस तरह का होम डेकोर में नहीं पसंद करते, सो आप क्या कर सकते हैं, आप नॉर्मल फैब्रिक में कुशन कवर सिलवा के उस पर सीक्वेंस का कुछ पैचेस लगवा सकते हैं या कुछ बॉर्डर्स लगवा सकते हैं, जिससे क्या होगा आपका फैब्रिक भी यूज हो जाएगा और एकदम ब्लिंगी भी नहीं लगेगा। सो फ्रेंड्स, ये थे मेरे 7 आइडियाज। आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा है और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी जो कि था एक मिंत्रा हॉल एंड आफ्टर वॉश रिव्यू, तो जाकर जरूर देखिए। मैं यहाँ पर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगी। थैंक यू।